भाइयों राम राम। मैं जहांगीरपुर के बाज़ार में हूं और बहुत ही कमाल की वीडियो मैं आज आपको दिखा रहा हूं। सस्ते कोल्हू तीन पहिए वाले, चार पहिए वाले और दुकान पर स्थिर रहकर कामगारी करने वाले कोल्हू, जिनसे आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं और कामकाज कर सकते हैं। जहांगीरपुर के सस्ते बाज़ार में ये कोल्हू नए कोल्हू हैं और ये गारंटी के कोल्हू हैं, पंजाब के बने हुए कोल्हू हैं। कौन सा कोल्हू किस कंडीशन का है, किस कीमत पर आपको किस तरह यहाँ उपलब्ध हो सकता है, पूरा वीडियो देखें। नई साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि जो कोल्हू से कामकाज करना चाहते हैं, गन्ने के रस का धंधा करना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ के कोल्हू के बाजार की बढ़िया जानकारी हो सके। जहाँ ये कोल्हू मिलते हैं उस गोदाम के मालिक से बातचीत करते हैं, किस कंडीशन का कौन सा कोल्हू आपको किस तरह उपलब्ध हो सकता है, लगातार पूरा वीडियो देखें। जी भाई, क्या नाम है तुम्हारा, कब से कोल्हू बेच रहे हैं आप और कहाँ के कोल्हू बने हुए हैं? जी मेरा नाम मुस्तकीम है, हम पंजाब के कोल्हू बेचते हैं। अच्छा मुस्तकीम भाई, ये कितने तरह के कोल्हू बेचते हैं आप, पहले हम आपका एक कोल्हू देख रहे हैं। ये 9.5 का कोल्हू है इसमें। अच्छा, और 8 HP का इंजन लगा हुआ है। जी 8 HP का भारी वाला इंजन लगा हुआ है। इंजन की 1 सीजन की गारंटी होती है इसकी। अच्छा, हाँ, बोर पिस्टन की गारंटी है और इंजन किसी कारण फट जाए उसकी गारंटी है। जी हाँ जी, बेल्ट चढ़ेगी इस पर। हाँ, ये 9.5 का कोल्हू लगा हुआ है इसमें। कहीं भी ले जा सकते हैं इसको? कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे गांव वगैरह में ले जा सकते हैं इसे। अच्छा अच्छा जी, तो स्टार्ट इसी इंजन से चलेगा ये? हाँ जी, इसी इंजन से चलेगा ये, दोनों चीज़ें, रक्षा भी और कोल्हू भी। अच्छा, तो एक घंटे में कितना तेल लेगा भाई ये कोल्हू तुम्हारा, ये इंजन? ये 1 घंटे में 0.5 लीटर तेल लेता है। 0.5 लीटर तेल लेता? जी जी। और ये गरारी लगी हुई इसके पहिए में भी? हाँ जी, गरारी लगी हुई है। पहिए में चैन वगैरह सिस्टम नहीं है कुछ भी? जी नहीं, चैन नहीं है, गरारी सिस्टम है पूरा। और ये पहिए मजबूत लगा रखने तो मैं? जी जी, मजबूत पहिए लगे हुए हैं इसमें, बुलेट वाले पहिए लगे हुए हैं जो बुलेट में आते हैं। अच्छा, बुलेट वाले पहिए? जी जी जी। तो ये कोल्हू जो है कितनी प्राई करता है, एक साथ कितने गन्ने की प्राई करेगा? ये तो ग्राहक के ऊपर बात है, जैसे किसान एक गिलास जूस ले रहा तो एक गन्ने की निकाल ले, दो गन्ने की निकाल ले। अच्छा, हाँ, इसी कीमत क्या है इसकी भाई, कम से कम? ये 62,000 रुपये का पड़ेगा जी। 62,000 रुपये का? जी। अच्छा, इस कोल्हू पे पार्ट्स वगैरह कोई दिक्कत आए तो पार्ट्स तुम्हारे यहाँ उपलब्ध? हाँ, पार्ट्स मिल जाते हैं हमारे यहाँ भी, मिल जाते हैं और खुर्जा भी मिल जाते हैं पार्ट्स। गाड़ी, बेलन, चकली, साइज के साथ? जी जी, ये तो हर कहीं मिल जाते हैं पार्ट्स। अच्छा, हर कहीं मिल जाते हैं? हाँ जी हाँ। तुम्हारे पास मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाँ, हमारे पास भी मिल जाएंगे। तो अब दूसरा हम देख रहे हैं आप, ये स्टैंड वाला कोल्हू है। अच्छा। जो दुकान वगैरह के आगे लगाते हैं स्टैंड पे। इसमें कितने इंजन? इसमें भी 8 HP का इंजन लगा हुआ है। हाँ, वही 9.5 का कोल्हू लगा हुआ है इसमें। 9.5? जी जी। क्या कीमत है भाई? ये 34,000 रुपये का है। 34,000 का है जी। कितने कीमत है इसकी भाई? 34,000। अच्छा, तो इसके ही पार्ट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे? जी जी। और ये हम आपका जंबो कोल्हू देख रहे हैं भाई जी, ये 4 पहिए का कोल्हू है। ये आगे भी चलता है और बैक में भी चलता है। अच्छा, आगे पीछे जी? पहले जो आते थे वो सिर्फ आगे चलते थे, अब जो नए आ रहे हैं ये, ये आगे पीछे दोनों तरफ चलता है। इसमें इंजन कितने एचपी का लगा हुआ है? इसमें 8 HP का इंजन लगा हुआ है जी। अच्छा अच्छा, कोल्हू क्या कितने साइज कोल्हू? वही इसमें 9.5 का कोल्हू लगा हुआ है। 9.5 का? जी। लुधियाना का बना हुआ है ये? जी, लुधियाना का बना हुआ, पंजाब का। और खास बात क्या है भाई इस कोल्हू की, बताओ तुम? इसकी जी छतरी भी, इसकी खास बात ये है, जो पहले आते थे वो आते थे आगे चलने वाले और साइड्स में बेल्ट लगती थी उसमें। हाँ। यहाँ बेल्ट लगती थी साइड में। अच्छा, अच्छा। उसमें जो है पैर दुखा देती वो बहुत ज़्यादा। हाँ। अब जो है इसमें न्यू मॉडल कर दिया है, इसमें ज़्यादा पैर दुखने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। और चाल जो है इसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, पहले चाल कम थी, स्पीड कम थी। ये 1 घंटे में ऐसी लेगा करीब 1 लीटर। 1 लीटर लेगा जी। इसकी क्या कीमत है भाई? ये 62,000 रुपये का। ये 62,000 का जी। तीन पहिए वाला भी 62,000 रुपये का ही है। अच्छा, तीन पहिए का भी 62,000 का है और जी, ये चार पहिए वाला भी 62,000 का है। सिर्फ ये जो है तुम्हारा? हाँ, ये स्टैंड वाला है, ये 34,000 रुपये का है। अच्छा, ये बताओ कि कोई आदमी यदि तुम्हारा ये स्टैंड ना ले, ताम झाम ट्रॉली ना ले, जी ये कोल्हू कोल्हू ले आपसे, तो आप ये कोल्हू भी उपलब्ध करा देते हैं भाई? जी हाँ, उपलब्ध करा देते हैं कोल्हू भी। कोल्हू क्या कीमत का कोल्हू है आपका? ये 12,000 रुपये का कोल्हू है जी। 12,000 रुपये? जी जी।
पार्ट्स कोलू की कोई गारंटी वारंटी? कोलू की कोई गारंटी नहीं आती है, ये तो चलेगा। इसके बुश कटते हैं बस खाली, और क्या होता है इसमें। अच्छा, बुश मिल जाती हैं कहीं भी। तो भाई जो बताइए, जो आपका ये और किसी कितने तरह के कोलू आप बेचते हैं बताइए? तीन तरह के कोलू बेच रहे हैं आप? जी हम तीन तरह के कोलू बेचते हैं। इसमें चार पहिए वाला भी होता है और तीन पहिए वाला भी है, और ये जो है स्टैंड वाला भी है। जी कोई कहाँ कहाँ तक भी आप इसे भिजवा सकते हैं? ट्रांसपोर्ट से ही भिजवा सकते हैं कहीं से? जी हाँ, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, आप जहाँ ले जाना चाहें वहाँ भिजवा देंगे आप। देश के किसी कोने में ट्रांसपोर्ट? जी जी, किसी भी कोने में। क्या पता है यहाँ के बाजार का, थोड़ा सा पता बताइए। ये खुर्जा जेवर रोड है, जहांगीरपुर है। अच्छा। खुर्जा जेवर रोड जहांगीरपुर। और ये आपकी फर्म का नाम क्या है? फर्म का नाम है जी भारत सेल्स कॉरपोरेशन। तो किसान कामगार भाइयों, आपने देखा सुना समझा, ये जहांगीरपुर का सस्ता बाजार है। इस बाजार में ये गन्ने का रस निकालने वाले कोलू हैं, तीन चार तरह के यहाँ मॉडल हैं। आप कोलू भी ले सकते हैं अलग से, और तीन पहिए वाला कोलू ले सकते हैं, चार पहिए की ट्रॉली वाला ले सकते हैं, और स्टैंड वाला भी आप कोलू ले सकते हैं। यहाँ की फर्म का पूरा पता फ़ोन नंबर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इस वीडियो का लिंक अपने साथियों में ज़रूर शेयर करना। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, जहांगीरपुर के सस्ते बाज़ार से, नमस्कार।